अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज से आथवार कुनवुह फरवरी जि सास त्रोवुह ईस्वी रजबुल मुरजब शतवुहिम तारीख चौदह शतः चौतजी हिजरी। तुम वुशान द वॉइस ऑफ कश्मीर आज शाया सपदम तन किन अखबारन पे त्रो नजर गो वो संगरमाल। महाशिवरात्रि हेरत कशीर मन आई मजहबी अकीदत एहतराम सान मनावन। महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारवी खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बल मुनक्कद। महाशिवरात्रि हेरत मुबारक लेफ्टिनेंट गवर्नर भगवान शिव लगिन इंसाफ पजरत हिकमत वत। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मनसूब गड़नाम तिस वक्त पे तैयार सूबई कमिश्नर। शब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकात मगफिरत हासिल करनुक मौक फरहम करान। एल जी ओडी बोनियार इलाकस मज हाफ्त सिंदिस हमलस मज अख दर्जन चौचार वई मार। मुल्कस मन जिसास चौदह पे तामीर तरक्की मज वाजिया बदलाव। सरकार गरीबन थोद तुलनस नस्बत काम करान। वजीर आजम वारी कशीर मज मौसम डंज हू आमुत कुनवुह पे अकवुह फरवरी ताम रूद शीन वालनुक अनुमान। खेलो हवाल अखबारस मज लिखित भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा सुंद इस्तीफा मंजूर करना आमुत। रोहित शर्मा तो हार्दिक पांड्या ते नाराज गमित। फुटबॉल स्टार लिवन मेसी गसन बे बार्सिलोना वापस शर्त छुन मुनसिब जॉर्ज मेसी। डेविड वार्नर्स कलस बाल आम भारत खिलाफ दैम टेस्ट मज नबर गमित। रोजनामा आफ्ताब के सफ़े अवल पर नाजीन। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होंगे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर G20 के मुजवजा इजलास के पेश नज़र अगले दो माह इंतहाई अहम। डबल शिफ्टों में जारी कामों को मुकम्मल करने के लिए कुछ सड़कें बंद कर दी जाएंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज 2023 की इजाज़त नहीं होगी। रवां बरस आजमीन को 80,000 रुपये कम अदा करने होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। रोज़नामा तामीली इरशाद के सफ़े अव्वल पर तुर्की शाम तबाहकुन ज़लज़ला अमवार की तादाद 45,000 से मुतजावज़। तबाह इमारतों के बलबे से लोगों की तलाश का अमल जारी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल निजी फार्म में हज़ारों मछलियां मर गई। पुलिस हरकत में तहकीकात के बाद 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कुलगाम में हिजब के 3 मावनीन गिरफ्तार। पिस्तौल मैगजीन और गोलियां बरामद पुलिस। आगे बढ़ते हैं नासिन। तामिल इरशाद के ही बाकी सफ़ात में हिंदुस्तान में तब्दीली की तर्ज हुकुमरानी की तब्दीलियां नतायज दिखा रही है। वजीर खारजा जयशंकर की ऑस्ट्रेलियाई वजीर के साथ मुलाकात। दो तरफा स्ट्रैटिक ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया। जनूबी कश्मीर में भी हाई डेंसिटी मेवा बाग लगाने का रुझान बढ़ रहा है। बेशतर बाग मालिकान अब रिवायती बागवानी के बजाय हाई डेंसिटी वाले सेब के पौधे लगा रहे हैं। रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स के सफ़े अव्वल पर नाज़रीन। मिलिटेंसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 गाड़ियां जब्त। NIA AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 1 हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद और दीगर मुजरमाना मवाद बरामद। मेराजुल आलम की मुकद्दस तकरीब सैयद पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पैगाम। मुसलमानान आलम खुसूसन रियासत के फर्जंदान तौहीद को मुबारकबाद पेश की। कुछ बैनुल अक्वामी खबरें समाप्त करें नाज़रीन। सऊदी अरब में साइबर फ्रॉड पर 5 साल कैद और 5 मिलियन रियाल जुर्माना की सज़ा मुकर्रर। हैकर्स FBI के सबसे बड़े दफ्तर में भी घुस गई। 2 लड़कियों का अगवा के बाद कत्ल, इराक में तशवीश की लहर। इसराइल मस्जिद अक्सा के मरम्मती कामों में रुकावट डाल रहा है। मरम्मत में मुश्किलात पेश आ रही है। यरूशलम अवकाफ का इल्जाम। अमेरिका में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, हमलावर गिरफ्तार। अमेरिकी सदर मुल्क में आए दिन फायरिंग के वाकात से तंग आ गए। तुर्किया जल्जले में 11 दिन बाद मलबे तले से निकाले गए तुर्क शख्स की अपनी बेटी से पहली मुलाकात। बल्गेरिया में ट्रक में 18 अफगान तारिकीन वतन मुर्दा पाए गए। तुर्की शाम के जल्जले में गैरमामूली हलाकतों की सनसनी वजह सामने आ गई। 2 अहम टेक्टोनिक प्लेटों की गैरमामूली हरकतों से तुर्किया और शाम में तबाहकुन जल्जला आया है।
और आखिर में नाज़रीन, सतह समंदर में इजाफे से इंसानी नकल मकानी में इजाफा हो सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप लॉगिन करिए द वॉइस ऑफ कश्मीर .com। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।